मुझ में हुनर कोई खास नहीं, सादगी के सिवा कुछ मेरे पास नहीं। तो ये सादगी का लिबास पहना हुआ है टेलीविजन की एक ऐसी अदाकारा जिनकी सादगी का कायल हुआ है जमाना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्रुति झा की। तो आज की हमारी इस खास पेशकश में हम आपको बताएंगे श्रुति की जिंदगी की कुछ कही अनकही कहानियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रुति झा का जन्म 26 फरवरी 1986 बिहार के बेगूसराय में हुआ था। श्रुति की फैमिली में उनके मम्मी पापा और एक छोटा भाई है। बिहार में कुछ साल बिताने के बाद उनका परिवार कोलकाता रहने चला गया और उनकी पढ़ाई वहीं से हुई। कोलकाता में 10 साल बिताने के बाद श्रुति परिवार के साथ काठमांडू नेपाल रहने चली गई और वहाँ से भी पढ़ाई की। श्रुति जब कॉलेज में पढ़ती थी तो वो कॉलेज की प्रेसिडेंट कहलाती थी। पढ़ाई के साथ में एक्टिंग भी करती थी। श्रुति जा जो दिखने में एक सीधी साधी लड़की लगती है, पर अंदर से वो काफी चुलबुले मिजाज की है। बचपन से ही श्रुति ने ख्वाब देखा था खुद को पर्दे पर देखने का, और अपने कॉलेज के दिनों से ही श्रुति ने ड्रामों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया और फिर अपने ख्वाब को अंजाम देने के लिए श्रुति कोलकाता से मुंबई आ गई। और श्रुति के चमके सितारे, उनके पहले ऑडिशन में ही श्रुति को मिला उनका पहला ब्रेक। जी हाँ, सीरियल धूम मचाओ धूम में श्रुति नजर आई। उसके बाद श्रुति जिया जले, शौर्य और सुहानी में भी नजर आई, पर उनके करियर को पहचान मिली NDTV इमेजिन के शो ज्योति से, जिसमें वो स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर बीमारी की शिकार रहती है। श्रुति के किरदार सुधा को ऑडियंस का भरपूर प्यार मिला। सपोर्टिंग रोल करने के बावजूद श्रुति ने सारी लाइमलाइट अपनी ओर की अपनी अच्छी बेहतरीन एक्टिंग की वजह से। पर उनके करियर का टर्निंग पॉइंट रहा 2011 का शो दिल से दी दुआ सौभाग्यवती भवा, जो सुपर डुपर हिट शो रहा। श्रुति के ऑपोजिट शो में करणवीर बोहरा थे जो उनके पति के किरदार में नजर आए, और श्रुति का रोल एक ऐसी पत्नी का था जो अपने पति के अत्याचारों का शिकार हुई थी। ये शो से श्रुति को मिली मेन लीड टेलीविजन एक्ट्रेस का दर्जा। शो लगभग 2 सालों तक एयर हुआ और फिर बालिका वधू में भी श्रुति गंगा के किरदार में दिखाई दी। श्रुति की लाइफ में वैसे तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था और फिर उन्हें मिला बालाजी टेलीफिल्म्स का साथ। जी हाँ, एकता कपूर के प्रोडक्शन हाउस का शो कुमकुम भाग्य में भी श्रुति प्रज्ञा के किरदार में नजर आई, और श्रुति के ज्यादातर शोज की तरह ये शो भी रहा सुपरहिट। 2014 में शुरू हुआ कुमकुम भाग्य आज भी नंबर 1 शो है। उनकी और शब्बीर की प्यार भरी नोकझोंक लोगों को काफी पसंद भी आ रही है। इतने सालों से शो ऑन एयर होने के बावजूद ऑडियंस की दिलचस्पी शो के प्रति कम नहीं हुई। शो ने लीप ले लिया है और श्रुति माँ के किरदार में भी कई कमाल कर रही है। और अब बात करें श्रुति की लव लाइफ की, तो श्रुति की निजी जिंदगी का एक राज ये भी है कि उनका नाम अपने पहले ऑन स्क्रीन हीरो विक्रांत मैसी के साथ भी जोड़ा गया था। दोनों ने धूम मचाओ धूम में साफ काम किया था, लेकिन असल में वो सिर्फ अच्छे दोस्त थे और ये खबर सिर्फ अफवाह थी। उसके बाद सीरियल सौभाग्यवती में उनके को एक्टर रहे हर्षद चोपड़ा के साथ भी उनका नाम जोड़ा गया था। दोनों को कई बार पार्टी करते साथ देखा गया था, पर दोनों ने अपने रिश्ते को नहीं कबूला। और फिर श्रुति के दिल में दस्तक दी एक्टर कुणाल करण कपूर, जो सीरियल ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा में काम कर चुके हैं। श्रुति और कुणाल एक दोस्त के जरिए मिले थे और काफी वक्त से एक दूसरे को जानते हैं। इन दोनों ने अपने रिश्ते का खुलासा कभी नहीं किया, लेकिन इनके सीक्रेट रिलेशनशिप का खुलासा तब हुआ जब इनके न्यू ईयर की कुछ तस्वीरें वायरल हो गई थी जो दोनों ने पौंडीचेरी में मनाया। और सूत्रों की माने तो श्रुति और कुणाल अब भी रिलेशनशिप में है, पर पब्लिकली कभी एक्सेप्ट नहीं किया। टीवी जगत में श्रुति की खास दोस्त है मौनी रॉय, दोनों में काफी गहरी बॉन्डिंग है। इंस्टाग्राम पर दोनों कई तस्वीरें अपलोड करते हैं। श्रुति को बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है। आए दिन वो अपने इंस्टाग्राम पर किताबों के साथ चाय की तस्वीरें डालती रहती है, और साथ ही साथ श्रुति पोइट्री और लिटरेचर में भी काफी दिलचस्पी रखती है। श्रुति एक ट्रैवल एंथुसियास्ट भी है। अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकलते ही श्रुति कहीं भी ट्रैवल करने निकल पड़ती है। उनका मानना है कि ट्रैवलिंग करने से इंसान को काफी कुछ नया सीखने मिलता है और मन को सुकून शांति मिलती है। कैसे लगी आपको श्रुति की ये कहानी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब आप किस टेलीविजन एक्टर की कहानी देखना चाहते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।